वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं एक कई दिनों से आपने देखा होगा कि मीडिया की हेडलाइन से भी दूर हो गई राबिया की कहानी, राबिया के साथ कितना दरिंदगी की गई, लेकिन कोई उसके लिए काम करने को तैयार नहीं हुआ, उसके लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की और नौकरी वाली, पुलिस में नौकरी करती थी, उसके साथ पुलिस की ही कुछ अफराद के ज़रिए उसके साथ क्या व्यवहार किया गया। ऐसे माशरे में अब कैसे अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कैसे लोग इल्ज़ाम देते हैं कि लोग अपनी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मैं उसी के पस मंज़र में एक गज़ल आपको सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह से मुझे इस, हमने तो दिलो जान से आपको चाहा, लेकिन आपने मुझे क्या दिया। सुने शायद कि इस गज़ल के एक एक लाइन में आपको कुछ अच्छी चीज़ दिखाई दे, जो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा वो मैं बातें अपनी गज़ल के ज़रिए आपको सुनाना चाहता हूँ। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। चाहेंगे लोग तुमको निभाएंगे कम, अगर चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, अगर हम सा ना ढूंढ पाओगे इस दयार में, हम सा ना ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में, हम सा ना ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया
हूँ तेरे इंतजार में। अब मैं बताना चाह रहा हूँ असल कि राबिया के साथ क्या हुआ। राबिया के साथ हर वो चीज़ हुआ जो इस एक लाइन में, जो एक इंसान दूसरे से ट्रस्ट करके, उम्मीद करके अपनी बच्ची को सुपुर्द कर देता है। अगर वो नौकरी में भेजते हैं तो उसे ये उम्मीद होता है कि मेरी बेटी सेफ होगी। अगर वो अपनी किसी बेटी की शादी भी करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि वो अपने पास, अपने शौहर के पास हिफाजत से रहेंगे। अब बताएं कि इस दयार ने क्या दिया उसे, अब बताएं जो उम्मीदें थी उसके साथ क्या किया गया। आखिर 1 हफ्ते 15 दिन तो गुजर गए, क्या हुआ राबिया के साथ, क्या हुआ उसके इंसाफ के लिए कितने लोग सामने आए, नहीं ना। तो इसीलिए आप लोग एतबार करना थोड़ा सही समझ से करें, और आपके जो बड़े कह रहे हैं उसको अपने दिमाग की निगाहों से देखें। ये नज़र धोखा दे सकती है लेकिन निगाह, जो आप सोचते हैं वो निगाह धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए आप लोग अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएं, बिल्कुल बनाएं। और उसके लिए और भी दूसरे ज़राए हैं जहाँ पे ज़्यादा महफूज रह सके आपकी इस्मत, आपकी बच्चियों की इस्मत, आपकी कौम की इज्जत। लेकिन हम लोग शायद ज़्यादा एतबार करने लगे हैं क्योंकि ये दगाबाज, आपकी सियासत दगाबाज, आपकी पॉलिटिक्स दगाबाज, आपकी समाज धोखेबाज। इस दरमियान आप दूसरे पे एतमाद इतना करते हैं, ख़ास तौर से एक दूसरे से रिलेशनशिप भी बना लेते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि वो सिर्फ दरिंदे होते हैं। अगर आप दोस्ती की निगाह भी बढ़ाते हैं तो थोड़ा फूक फूक कर बढ़ाएं। इसीलिए अगर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता लोग, लेकिन आजकल दरिंदे बहुत हैं। इसीलिए आप अपने बच्चियों की, अपने औलादों की हिफाजत करें और हम सब अच्छे माशरे बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये गज़ल और थोड़ी सी जो बातें हैं वो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।